एक साल की वेदिका शिंदे, ये वही बच्ची है जिसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिए जाने के बाद भी बचाया नहीं जा सका। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 डिसऑर्डर से पीड़ित वेदिका का 1 अगस्त को निधन हो गया। उसके माता पिता ने फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर 16 करोड़ रुपए जमा किए और ये बात मीडिया में काफी चर्चा में भी रही। लेकिन बच्ची की मौत से बहुत से लोग हैरान हैं, जो लोग लगातार उसके स्वास्थ्य के बारे में सोशल मीडिया से अपडेट लेते रहते थे। वेदिका के माता पिता ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। हालांकि किसी को ये एहसास नहीं था कि वेदिका इस रात के बाद इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये पोस्ट फेसबुक पर वेदिका फाइट्स SMA नाम के पेज पर अपडेट हुई और उसके कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। SMA से जूझते हुए 1 अगस्त को अचानक उसकी मौत हो गई। करीब 1.5 महीने पहले वेदिका को 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन दिया गया था, जो इलाज के लिए जरूरी था। वेदिका का यूं अचानक चले जाना हर उस शख्स के लिए हैरानी भरा है, जो भी उसकी मदद के लिए आगे आए थे। वेदिका के माता पिता फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। वेदिका के चाचा अमोल जगताप ने BBC मराठी को बताया कि उसकी हालत इंजेक्शन मिलने के बाद से धीरे धीरे सही हो रही थी, लेकिन रविवार 1 अगस्त को उसका ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो गया और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसे नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वेदिका के इलाज के लिए देश भर से फंड जुटाया गया था। इंजेक्शन अमेरिका से ऑर्डर किया गया था। केंद्र सरकार ने इंजेक्शन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी थी। फरवरी 2020 में वेदिका के SMA से पीड़ित होने का पता चला था। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन वेदिका को 15 जून को दिया गया था और 16 जून को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। तब से उसकी स्थिति में सुधार हो रहा था। उसके माता पिता ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फंड जुटाने के लिए वेदिका फाइट्स SMA नाम से पेज शुरू किया था। फंड जुटाने के लिए उन्होंने कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अपील की। SMA टाइप 1 का मतलब है स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी। इस दुर्लभ बीमारी में दिमाग के सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाते। इससे मांसपेशियां या तो बेकाबू हो जाती हैं या फिर चलती ही नहीं। एक अन्य बच्ची तीरा कामत के माता पिता ने जब इस संबंध में कैंपेन शुरू किया था, तब SMA टाइप 1 बीमारी पर चर्चा शुरू हुई। तीरा कामत की तरह वेदिका शिंदे को भी 16 करोड़ रुपए कीमत का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हालिया पोस्ट में वेदिका के माता पिता ने बताया कि वो धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। वेदिका की तरफ से उन्होंने लिखा कि मेरे माता पिता ने मुझे उड़ान भरने दी और मैंने वो कर दिखाया। सोशल मीडिया पर उसके कुछ वीडियो पोस्ट किए गए थे। वो उसे प्यार से नटखट बच्चा कहते थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अब सिर्फ वेदिका की याद के तौर पर हैं।